गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लखनऊ मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज मेरा जाला। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। कल अपन ने विलियम कॉलिंस की ओड टू इवनिंग पोइम स्टार्ट करती थी, और मतलब पोइम के और पोइट के ट्रेडिशन के बारे में जान लिया, पोइम भी स्टार्ट कर देती है। आज पढ़िए अपन नेक्स्ट पोइम। देखिए, देखिए टेक्स्ट, देखिए। फॉर वेन दाई फॉलिंग स्टार एराइजिंग सोज हिज ब्लैक सर्कलेट एट हिज वारी लैम द प्रेग्रेंट हावर एंड एंड हू स्लेप्ट इन वर्ड्स द डे एंड मैनी ए निम हू रेड हर ब्रोज विद सेज एंड शेयर द फ्रेशनिंग ड्यू एंड लवली स्टिक द पेंसिव प्लेजर स्वीट प्रिपेयर दाई सैडो कार। ठीक है, अब देखिए इसकी मैंने देखिए। सबसे पहले तो हॉलिंग स्टार मीन्स इवनिंग स्टार, स्टार विच फॉर द इवनिंग आफ्टर विच नाइट कम्स, मतलब संध्या का तारा जो संध्या को समाप्त करता है। सर्कुलेट मीन्स सर्कल घेरा, प्ले मीन्स डे मैन स्मॉल, वार्निंग लैम्प्स मीन द लाइट ऑफ द स्टार हैज बीन डिपिक्टेड एज लैम्प वार्निंग ऑफ द कमिंग ऑफ नाइट। ठीक है, तारे की रोशनी को ऐसा कहा गया कि ये रात्रि के आने की पूर्व सूचना है। एज मीन्स फेरीज परिया, द डे एंड ड्यूरिंग द डे दिन का समय। नेम मीन्स वाटर स्प्रिट, सेज इज ग्रास दैट ग्रोज ऑन दैट वाटर। रेदे जन अन सर्कल्स फैंसी प्लेजर्स, मीन सबड्यूड प्लेजर्स। सेडो कार मीन्स कैरियज ऑफ डार्कनेस, अंधेरा रूपी गाड़ी। अब देखिए इसकी एक्सप्रेशन देखिए। फॉर वैन दाई फॉर्निंग स्टार एराइज़ सो हिज प्लेज सर्कुलेट एट हिज वार्निंग लैम्प द फेरेंट आर एंड एब्ज हू स्लेप्ट इन वर्स द डे एंड मैनी ए निम्फ हू रेड हर ब्रोज विद सेज एंड सेड द फ्रेशनिंग ड्यू एंड लवली स्टिल द फैंसी प्लेजर स्वीट प्रिपेयर द सेड कार। देखिए दी लाइन्स आर फ्रॉम कॉलेज पॉइंट ऑटो टू इवनिंग कम्स, इवनिंग कम्स टू ए सॉलिटरी वेरन पैलेस। दीज लाइन्स आर फ्रॉम कॉलेज पॉइंट ऑटो टू इवनिंग कम्स, इवनिंग गो द पॉइंट नाउ डिस्क्राइब यू। The poet now describes the coming of the night when night comes evening goes to a solitary barren place. When the evening star rises and shows its dim circle, it is a sort of warning for the coming of the night. ठीक है, fragrance always flows in the atmosphere at night, sweet odors that had been lying kept in the flowers are freed. Fragrance always flow in the atmosphere at night, sweet odors that had been lying kept in the flowers are freed. The fairies rejoice at night in plenty pleasures. These will yoke the dark chariot of evening and prepare for her return to a lonely and barren spot. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टेक्स्ट देखिए। देन लेट मी रोर सम विल एंड हेल्दी सीन और फाइंड सम ड्यून मेडस्टर्स वेरी डल हुज वाज मोर ऑफन नॉट बाई दाई रिलीजियस ग्लिम्स। देखिए इसको मैंने देखिए, रोर मीन्स वांडर आउट घूमना, हेल्दी सीन मीन्स ब्यूटीफुल नेचुरल सीन और प्लेस खंडर, डल्स मीन्स काटिए, रेडी मीन सुनसा नीरस, नॉट मीन झुकी हुई झुकना, जिलिम सेंस साइलेंट चमक। ठीक है,
अब देखिए इसके एक्सप्रेशन देखिए, देन लेट मी रोट सम हेल्दी जीन और फाइंड सम जून ब्लड डेरी डेल्स हुज वॉल्स मोर ऑफन नोट वाई दिलीवियस डिलीवियस। देखिए इसके एक्सप्रेशन देखिए, दीज लाइन्स आर फ्रॉम कॉलेज पॉइंट्स और टू इवनिंग। ठीक है देखिए नेक्स्ट, The poet say that the darkness down the evening disappears. It is supposed to be carried by the nymphs to its place of rest. At such times, when it becomes dark, the poet wants to wander in some lonely place full of beauties of nature, or he wants to go to a valley where some ruined buildings stand with broken or nodding walls on which the last rays of the setting sun fall and make the walls shine with a seemingly religious light in time with the time of prayer and rest। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट टेक्स्ट देखिए, देन लीड काम बॉर्डरीज वेयर सम सेटी ले चीज द लोन हेल्थ और सम टाइम हेलोड फाइल और अपलैंड हेरोज ग्रे रेजेकुलेट इट्स लास्ट कूल ग्ली। ठीक है देखिए इसको मैंने देखिए, बोटरेस मीन्स बोटे टू पार्टिकल वे ऑफ लाइफ। ठीक है देन मीन्स एट सच टाइम ऐसे समय में, सेटी मीन्स ब्राइट टाइम हेरोड फाइल रूल्स ऑफ होल्ड प्लेस खंडर सेट दी फ्रेशनिंग ड्यू मीन्स दी लिम्स और कंसिप्ट एज सेटिंग द नाइटी ड्यू ओवर ग्रास एंड प्लांट्स। ठीक है अब देखिए, लवलियर स्टिल मीन्स स्टिल मोर लवली और अधिक सुंदर, हेलो मीन्स लैंड्स विच हैव नॉट बीन कल्टिवेटेड, रिफ्लेक्ट्स एंड प्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं जिले में साइलेंट चमक। अब देखिए इसमें देखिए, These lines are from cooling poem hot to evening. This is an ode addressed to evening. In the line, the poet confesses his longing for evening at the time when the fairy side of life dominates, when solitude holds full sway. ठीक है अब देखें next. At this time, the poet sees no higher achievement than to wander like elf or nymph in the early starlight and ड्यू। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट, द पोएट डिस्क्राइब्स द कमिंग ऑफ द नाइट व्हेन नाइट कम्स इवनिंग गो टू ए सॉलिटरी बैरन बैरन प्लेस व्हेन द इवनिंग स्टार ऑफ राइजेज एंड शोज इट्स डिम सर्कल इट इज अ सॉर्ट ऑफ वार्निंग फॉर द कमिंग ऑफ द नाइट। ठीक है देखिए, फ्रेगरेंस ऑलवेज फ्लोस इन द एटमोसफियर एट नाइट स्वीट ऑडर दैट हैड बीन लाइंग कैप्टिव इन द क्लॉथ आर फ्रीड, द फेरीज रिजॉइस एट नाइट इन फ्रेंटिक प्लेजर्स दिस विल योग द डार्क चैरियट ऑफ इवनिंग एंड देन लीड टू अ लोनली एंड बैरन स्पॉट, देयर स्ट्रीम दैट फ्लोस नियर हैथ एंड नियर द रेंज ऑफ सम प्लेस और द नाइट लीड हर टू सम अनटाइड अपलैंड शाइनिंग ग्रे एज रिफ्लेक्टेड स्कूल एंड ट्रांजिएंट लाइट इन द लाइन द पोएट एक्सप्रेस हिज डिजायर
to vote of the ballot room aristocratic parlors to be face to face with the world and rugged aspect of nature. He saw an unconscious flight from the social of the 18th century world to something morbid and somehow emotional.